वहीं हनुमानगढ़ एसीबी की श्री गंगानगर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस के लिए रिश्वत लेते सरकारी अध्यापक को ट्रैप किया गया। 2.5 लाख रुपए माफ कीजिएगा 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने दबोचा। एसीबी ने सरकारी अध्यापक भीमसेन को ट्रैप किया है। थाना अधिकारी जैसर के रीडर रमेश कुमार मीणा की संदिग्ध भूमिका पाई गई है। परिवादी के खिलाफ मुकदमे में FIR लगाने के एवज में ये घूस मांगी गई। एसीबी एएसपी तेजपाल सिंह ने कार्रवाई को अंजाम दिया। मेरे सहयोगी नवीन जुड़ गए। नवीन, जिस तरीके से घूस मांगी गई, ये भी बताइए कि मामला दरअसल क्या था जिसमें FIR लगाने के एवज में 1.5 लाख रुपए की भारी भरकम रिश्वत ले ली गई। जी देखिए, बिल्कुल वाकई में विजेंद्र, एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और एसीबी ने जो हनुमानगढ़ में जो सरकारी अध्यापक है उसको एसीबी ने गिरफ्तार किया है। भीमसेन है उसका नाम, और जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय है JKM तहसील विजयनगर का, वहाँ पर वो कार्यरत था। और जो जैतसर के अंदर जो थानाधिकारी का रेडर है रमेश कुमार मीणा, उसके मार्फत यानी उसके जरिए वो रिश्वत की डिमांड कर रहा था। परिवादी था, परिवादी के खिलाफ एक मुकदमा था और उस मुकदमे में FIR लगाने के एवज में 2 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की जा रही थी। इसमें से 1.5 लाख रुपए के अंदर सौदा तय हुआ था और आज एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जो सरकारी अध्यापक है भीमसेन को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ ही इस पूरे प्रकरण के अंदर जो थानाधिकारी का रीडर है रमेश कुमार मीणा की भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि देखिए 1.5 लाख रुपए की रिश्वत की राशि है, अपने आप में एक बड़ी रकम है। हो सकता है इस पूरे प्रकरण के अंदर जो थानाधिकारी है जैतसर, उनकी भी भूमिका संदिग्ध हो। अब कहीं ना कहीं एसीबी उनकी भी उनसे भी पूछताछ करेगी। अभी जो फिलहाल जो रमेश कुमार मीणा है उनकी भूमिका संदिग्ध लग रही है एसीबी को, और उनको पूछताछ के लिए बुलाएगी और उनसे भी पूछताछ की जाएगी। एक बड़े खेल का खुलासा हो सकता है। और एसीबी की एक टीम है जो आरोपी शिक्षक है उसके घर पर पहुंच चुकी है, उसके घर की सर्च ले रही है। उसके घर की सर्च में क्या कुछ निकलता है वो देखने वाली बात होगी।